other blessings. This is the first. This one, brush. This one. This one. ऐसे ही लगता है ये बच्ची बैठी है। ये बच्ची है एक्चुअली। ये बच्ची है, मेरा बच्ची है। इन्हीं का बच्चा है। हाँ, मुझे लगा। फील ही वैसे लग रहा है। उसके बिना हो नहीं सकता है। तो ये मेरा मतलब है कि आज ये दुर्गा का। एक तरह आप लोग आइए। आप आइए ना प्लीज। प्लीज कम। उधर उधर उधर। मैं उधर तो कितने दिन बनाया आपने ये? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर। इट्स 12 इयर्स सिंस दिस फेयर इज बीइंग हेल्ड। आई वाज एसोसिएटेड विद इट फ्रॉम द बिगिनिंग और आई एम डिलाइटेड दैट एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग। इट्स अ फेयर विद लॉट ऑफ आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट हु वांट टू शो देयर वर्क्स
and young collectors and young others who want to come and see art and get introduced to art. So this is a wonderful place for people to come. It has been 12 years since it has started, and this is the 12th edition, 10 years since it has been started. It's also in Bangalore, it's also in Delhi, and so it is widely spread, and I hope now they will go to Calcutta, to Eastern India. Thank you. One last thing I want to ask you, ma'am. How do you feel about the efforts of Rajendra? It's not very easy to do this. I think he has put Herculean effort in doing this, and he has done it with great sincerity and with great enthusiasm. And then, beginning with Bombay, he has taken it to various places. So this is a wonderful thing he has done, and I congratulate him for that. This gives you an idea of what art can be, the variety, the facets of art and all, and it will inspire them to work in some areas. Thank you. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा राजेंद्र जी को, जिन्होंने इंडिया आर्ट फेस्टिवल का ये आयोजन किया है नेहरू सेंटर मुंबई में. इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से जो यहाँ पे एग्जिबिशन हुआ है पेंटिंग्स का, अलग अलग तरह के पेंटिंग्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स. सो इट वॉज अमेजिंग टू सी इतना वास्ट डिफरेंस सब पेंटिंग्स में. एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट राजेंद्र जी एंड ऑल दी आर्टिस्ट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, कि इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग. इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग. सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को? मैं यही कहना चाहूँगा कि यू दूर बढ़ते हुए नहीं, इफ़ यू हैव एन आर्ट इन यू, यू आर ब्लेस्ड. ऑलवेज थिंक अबाउट इट कि अगर आपको मालिक ने ये कला दी है, देन आई एम श्योर यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि ये हर एक का काम नहीं है. हर एक पेंटर, हर एक आर्टिस्ट अपने कॉन्सेप्ट से एक पेंटिंग बनाता है, वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आना, ये दैट इट्सेल्फ इज एन अमेजिंग थिंग. सो मैं तो सबको प्रणाम, शत शत प्रणाम करता हूँ, जितने भी कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं, और कुछ नए जूनियर कलाकार भी हैं जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको भी उन्होंने मौका दिया है. तो आई विश देम ऑल द बेस्ट. सर आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में और लोगों को साथ में आना चाहिए ऐसे आर्ट एग्जीबिशन? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ज़रूर. अभी हमारे मित्र हैं ज्योति शंकर जी, बहुत बड़े म्यूजिशियन, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, तो उन्होंने जब मुझे बोला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड. मैंने कहा नहीं, अरे ये तो जाना ही चाहिए. तो किसी भी कलाकार को आप बोलेंगे दिल बहुत प्यार से आएंगे. थैंक यू. आर्ट फेस्टिवल हो रहा है, देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे फेस्टिवल्स हर एक सिटीज़ में, इंडिया में इतने सारे सिटीज़, बिग सिटीज़, मेजर सिटीज़ हैं, सभी मेजर सिटीज़ में ऐसे आर्ट फेयर होना चाहिए, और ये आर्ट जो है आम लोगों तक पहुंचना चाहिए. अभी क्या हो गया कि बॉम्बे जैसे कमर्शियल सिटी है, यहाँ पे लोगों को देखने मिलना है, लेकिन पुणे में जो लोग हैं उनको ये देखने के लिए नहीं मिल रहा है. तो दे शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू सी दिस काइंड ऑफ आर्ट फेयर. सो आई फील दैट यू नो दिस काइंड ऑफ फेयर्स इट शुड गो ऑल ओवर इंडिया, सो द एवरीबडी कैन सी, एवरीबडी कैन इंजॉय, एवरीबडी कैन इंटरेक्ट विद द आर्टिस्ट. Even the amongst the artists all over India, there are so many artists are there. If they exhibit together, they can interact each other, they can see each other's work, and they can enjoy, and they can, you know, always the development can happen, progress can happen. You know, in Europe, when the art, you know, there is a lot of competition was there. That is how the development in art it happened. So in India also, if it happens like this, I'll be very happy, and all over the, even the government, they can make the so many museums, and we can have many galleries in India, and armed public, they can enjoy the art. Thank you. It is tremendous, Rajendra, what he has done. This is second time I'm inaugurating his this festival. He's doing a tremendous job. You know, initially, you know, I know, because initially he started the art camps, and from there he got idea to have a
art festival, and he is doing a tremendous job. I hope he should do more art fair, and he should go all over India and do the art fair so everybody can see, and really the progress can happen in the art field. Thank you. मेरे पास कोई भाषा नहीं है. इंडिया आर्ट फेस्टिवल, पूरा भारत यहाँ दिख रहा है. भारत की संपूर्ण कला यहाँ दिख रही है. और मैं राजेंद्र जी के लिए क्या कहूँ. पहले ज़माने में राजा होते थे, कला की संरक्षण करते थे. इस समय तो राजा का दरबार नहीं है कला का संरक्षण करने के लिए, लेकिन इस समय के राजा है राजेंद्र जी, जो कि सारे कलाकारों को एक एक छत्र के नीचे लेके आए हैं, उनको लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, कला की संरक्षण कर रहे हैं. मैं उनको हृदय से अभिनंदन कर रही हूँ. कला एक ईश्वर की तरह कला एक है, माध्यम अलग अलग है. हम जब गाते हैं तो कल्पना से ही गाते हैं, और जब एक चित्रकार अपनी कल्पना से अपनी रंगों से उसको आकार देते हैं तो कला एक है, माध्यम अलग अलग है. कला में हम लोग सब एक हैं, उस एक को प्रणाम करते हैं. और सभी कलाकार जो यहाँ आए हुए हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि उनकी एक एक कला लोगों के दिल में बसे और लोग अपने घर लेके जाए. थैंक यू सो मच. आपको लगता है कहीं ना कहीं यंगर जनरेशन जो है आर्ट से कला से थोड़ा दूर रखती नजर आ रही है? हाँ, ऐसी प्रदर्शनी अगर होगी तो देखिए, ये हम कलाकारों की फ़र्ज़ है. हम जो देंगे बच्चे वो लेंगे. बच्चे तो क्लीन स्लेट है, हमें उनसे रूबरू कराना है, बच्चों तक पहुंचना है. तो मैं चाहती हूं कि यंगर जनरेशन को यहां बुलाया जाए और उसको हमारे भारत की संस्कृति कला से परिचय करा जाए, क्योंकि वो हर चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं. हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. ये हमारी कमी है, तो ये कमी हम लोग दूर करेंगे. उनको हम बुलाएंगे, हम लोग अपने सोशल मीडिया के ज़रिए यंग जनरेशन तक पहुँचेंगे कि वो आए, देखे और कला की प्रशंसा करें और उसको जाने भारत की कला. थैंक यू सो मच. मैं अपने कलाकारों के लिए एक लाइन गाती हूँ कि तो बारिश आने वाली है, तो जब पहली बारिश होती है तो बहुत प्यारा समय होता है. अगर प्रियतम दूर है, इसको कोई भी कलाकार पेंटिंग भी कर सकते हैं. झिरझिर बरसे, झिरझिर बरसे, सबन रस बुदिया के आई गई लेना, अब बरखा बहार के आई गई लेना, के आई गई ले ना, के आई गई लेना. थैंक यू. इट्स ब्यूटिफुल. आई थिंक आवर आर्टिस्ट्स आर एब्सोल्युटली, यू नो, द फाइननेस विद विच दे वर्क एंड द कलर्स दैट दे यूज इज सो ओरिजिनल टू अस एज इंडिया. एंड आई थिंक दैट, यू नो, ओके, for people coming from different states, getting a platform in Mumbai to hold an exhibition and getting, you know, ahead, getting exposure, getting more people to appreciate your art is different, but to get an international, I think we need to do more to get them that international footing so that, you know, internationally people can enjoy their art and their talent. So that needs to be done. But it's always a pleasure to come to an art exhibition. My daughter is an artist too, so she loved it here. Yeah, she was chatting away with the artists. Can she speak something? Yeah, what did you like? It's just that I love Indian art specifically because it's so unique. Like, you never find the way Indian artists paint their work. Like, go on the art. Yeah, you don't find it anywhere. Which is why I would much prefer coming to an exhibition that's held in India by Indian artists than go abroad for an art. Absolutely. And what else did you learn today? That we're very talented. Yeah. You, nice. So, you both seem to be very excited. We saw you, like, yeah. I come from a home of a lot of artists, painters. My mother used to paint. My aunt, my Masi, she's a painter. And spent a lot of time with artists. So yeah, I enjoy. I have a lot of paintings at home. I rotate my art. You know, sometimes I put certain artists, then again I put them away, and I put some other artists. And yeah, so today also we picked up Kumar. We picked up a nice Rajasthani painting, so we picked that up. So I love art. Any projects lined up? Anything that you want to share? Yes, there is something lined secret. Up, but secret. Secret. Yeah, but you can check it on our Instagram. Yeah. Okay.
थैंक यू थैंक यू. आप पूछिए क्वेश्चन. मैं बोलूँ आप बोल रहे हैं. लेडीज फर्स्ट. सो बहुत बहुत अच्छा लगा. वैसे भी आप ही बोलते हैं. अच्छा, तो बिकॉज आप नहीं बोलते तो बहुत बहुत अच्छा लगा इंडियन आर्ट फेस्टिवल में आकर पेंटिंग्स देखकर. बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट फील्ड ऑफ आर्ट बट इट इज आर्ट एंड आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. तो यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटिफुल पेंटिंग्स देखी. वाराणसी की पेंटिंग्स देखी तो काबा की पेंटिंग्स भी देखी एंड महादेव जी की पेंटिंग देखी तो वहाँ पे महात्मा गांधी जी की भी पेंटिंग्स देखी. हॉर्स की पेंटिंग देखी तो साथ साथ में लेडीज़ और बच्चियों की पेंटिंग्स देखी जो अपना ड्रीम फुलफिल करना चाहती हैं. सो आई फाउंड एवरी थिंग विच अ ह्यूमन माइंड कैन इमेजिन आउट हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पर संग्राम जी के साथ आई बिकॉज संग्राम जी भी आई थिंक बहुत प्रेरित हुए होंगे मेरी तरह. जी देखिए, जो इंडियन आर्ट फेस्टिवल अपने आप एक बड़ी बात है, इसका हिस्सा बनना या यहाँ पे आना. थैंक यू अनुषा जी फॉर इनवाइटिंग अस. और मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा आर्टिस्ट है परमात्मा. उसने हम सब ढेर सारे नमूनों को डिफरेंट डिफरेंट बनाया है और हम सब अपने आप में बेस्ट हैं. और जितने कलाकार थे यहाँ पे सारे वन ऑफ द बेस्ट थे. सारी पेंटिंग बेस्ट थी. अब मैं तो उनको जज कर नहीं सकता ना क्योंकि मुझे उसका उसके बारे में नॉलेज है नहीं, मगर जो भी देखा बहुत सुपर्ब था. ये जितने भी कलाकार हैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं. परमात्मा करे ये दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे. हम अगली बार आए तो अगली बार 560 हैं, 30 से 40 हैं, तो अगली बार 2000 पेंटर हों और फिर मौका मिले आने का. पायल जी, आप दो पेंटिंग आप लेके भी जा रही हैं, डिस्क्राइब करेंगे क्या पेंटिंग है वो, किसकी है? दो पेंटिंग्स हमको गिफ्ट की गई है एंड वन पेंटिंग इज ऑफ वाराणसी विच हैज ब्लैक एंड ऑरेंज कमिंग आउट ऑन इट. दूसरा पेंटिंग है फाल्कन का एंड वो पृथ्वी सोनी जी ने ड्रॉ किया है, पेंट किया है. पृथ्वी सोनी जी इज़ फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. उन्होंने सुभाष गाई जी के साथ बहुत यू नो फिल्में करी है जहाँ पर उस समय पोस्टर्स को उन्होंने ड्रॉ किया है जब वी डिड नॉट हैव द मॉडर्न टेक्नोलॉजी. तो पृथ्वी सोनी जी इन हिज 70s इज़ ड्रॉइंग पेंटिंग्स एंड मैं उनको देख के बहुत बहुत प्रेरित हुई क्योंकि मेरे पापा भी 70s में हैं टचवुड एंड ही ऑल्सो कीप्स हिमसेल्फ बिजी एंड पृथ्वी सोनी जी अपने आप को इस एज पे बिजी करके पेंटिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं. तो एक पेंटिंग पृथ्वी सोनी जी की है एंड बनारस की जो पेंटिंग है उनके हाँ जी उनके जो पेंटर साहब हैं वो परमेश पॉल जी हैं एंड बनारस इज समथिंग दैट आई वांट टू विजिट. आशा करती हूँ कि संग्राम जी मुझे शादी के बाद वहाँ पे ले जाएं. बनारस, कश्मीर, ये सारी जगह है जहाँ पे मुझे जाना है. मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी जी की वो है ना लोकसभा क्षेत्र, मोदी जी का वहाँ पे. दूसरा, एक पेंटिंग से क्या सीखने को मिलता है हम सबको कि जिंदगी है ना एक ऐसे ही सफ़ेद वो है बोर्ड है, उसके ऊपर हम खूबसूरत कलर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम खूबसूरत ड्राइंग बना सकते हैं और एक अच्छी सी पेंटिंग बना सकते हैं ज़िंदगी में. तो अच्छा करेंगे तो अच्छी पेंटिंग बन जाएगी, अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी. और डेफिनेटली हम वाराणसी जाएंगे, बनारस जाएंगे बिकॉज हमारा जो लाइफ का पर्पस है वो लाइफ का पर्पस आई थिंक वाराणसी जाकर सब भारतीय लोगों को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए. अच्छा, लाइफ का पर्पस? यस, बिकॉज लाइफ इज अल्टीमेटली यू डोंट नो, इट्स अनप्रडिक्टेबल. हम सब को कब ऊपर का बुलावा आ जाए हमें पता नहीं है एंड वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि इट्स जस्ट एज सिंपल और एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वांट टू मेक इट. मुक्तिधाम की बात कर जी. हाल ही में आपने धाकड़ का प्रीमियर अटेंड की थी और फिर आपने धाकड़ पे ट्वीट भी कर दिया कि मतलब कि ये धाकड़ मुनव्वर फारूकी के वोट्स को लेकर आपने ट्वीट किया है कि इनको 18 लाख वोट्स मिले थे तो उन्होंने धाकड़ का प्रमोशन अपने वोटर्स से क्यों नहीं करवाया, तो जैसे ही ट्वीट किया था आपने तो. मैं ट्विटर पर तो नहीं हूँ, मेरा ट्विटर सस्पेंडेड है. बट आई थिंक यहाँ पर हमने काफ़ी पब्लिसिटी दे दी ना सब चीज़ों को. तो अभी हम इंडियन आर्ट फेस्टिवल के ऊपर बात करते हैं बिकॉज आई थिंक इंडियन आर्ट के ऊपर बात करते हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर तो हम कितना बात कर चुके हैं. वो संग्राम जी को जानते हैं अभी भी एंड आई बिलीव एक पिक्चर के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है पिक्चर को बनाने के लिए. सो एवरीबडीज हार्ड अर्न्ड मनी इज इन्वॉल्व. तो उसके लिए मुझे बुरा लग रहा था एंड दैट इज व्हाई आई वेंट फॉर द प्रीमियर. बट जो मुझे कहना था धाकड़ के बारे में और कंगना जी के बारे में और उन जो रियलिटी शो का मैं हिस्सा थी वो मैंने बोल दिया. तो अभी उसके ऊपर और क्या बोलना, आप समझ रहे हैं. एंड आई लाइक कंगना जी एंड हर एक्टिंग. और मैंने स्पेशली ट्वीट किया था उनके लिए कि वो बड़ी मेहनत की, उन्होंने फिल्म बनाई है. देखो, चलना ना चलना अपने हाथ में नहीं होता, अपने हाथ में कोशिश होती है, वो बेहतर करनी. हाँ, बट क्या करे, कर्मा होता है.
film of the performance काफी सराहा गया था कंगना फिल्म पर तो परफॉर्मेंस काफी सराहा गया है काफी सराहा गया एक महिला के होते हुए ऐसा दूर करना बहुत मुश्किल है देखिए एज अ महिला मैंने हरदम कंगना जी को सपोर्ट किया है जब उनका ऑफिस भी तोड़ा गया था पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जब उन्होंने अपनी राय रखी थी किस मुद्दे के ऊपर और वो राय को एक्सेप्ट नहीं किया गया था अनदर पॉलिटिकल पार्टी द्वारा मैंने कंगना के को तभी भी सपोर्ट किया था बिकॉज आई फेल्ट कि किसी को भी उनका ऑफिस तोड़ना नहीं चाहिए एंड सबको पता है कि मैं बहुत अपनी राय मुखर होकर रखती हूँ किसी के बारे में भी हो मैंने कभी भी उनकी एक्टिंग टैलेंट के ऊपर कमेंट नहीं किया बिकॉज वो एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एज एन अभिनेत्री यहाँ पर बात कुछ और थी कर्मा की बात कुछ और तरीके से हो रही थी आप सबको भी समझ जाना चाहिए बिकॉज क्या होता है ये ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़िंदगी में जो हम बोते हैं वो हम पाते हैं तो अगर हम कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं उसका फल मुझे कंगना संग्राम जी आपको मुझको सबको यहाँ पर ही पाना पड़ता है बाकी अच्छी एक्ट्रेस है बहुत अच्छा काम किया उसने बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने देखी और मुझे अच्छी लगी थैंक यू मैं पहले आप बोलिए देखिए मैं इतना मानती हूँ कि कोविड जैसा महामारी में के बाद फिर से लाइफ को यू नो पटरी पे लाना उनकी सबकी बाकी सब लोगों की बहुत बड़ा मेहनत का काम है बिकॉज कहीं ना कहीं कोविड में बहुत लोगों को एक तरह का यू नो सेटबैक हुआ था जो सेटबैक शायद वो खुद कवर नहीं कर पाए तो आई थिंक राजेंद्र जी का ये एफर्ट सब लोगों को फिर से साथ में ला के फिर से लाइफ को यू नो दिनचर्या को लाइफ को सही तरीके से आगे ले जाना बहुत सराहनीय है एंड आई होप दैट ही हैज़ दिस विल पावर ऑल हिज लाइफ एंड ही मेक्स द मोस्ट ऑफ इट देखिए मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि चैम्पियन वो नहीं होता जो फर्स्ट आता है मेडल जीता है ट्रॉफी जीतता है चैम्पियन होता है जो लगातार कोशिश करता है और राजेंद्र जी ने कोशिश की फिर से ले आए और मैं कह रहा हूँ कि भैया अगर कमज़ोर रहोगे ना कोविड भी मारेगा दुनिया भी मारेगी सब मारेंगे शरीर थोड़ा सा ताकतवर बना लो फिट हो जाओ हेल्दी हैबिट रखो तो भैया कोविड वोविड सब आते जाता रहेगा अब छोटी मोटी बीमारी तंदुरुस्त रहो कमजोर रहोगे तो पड़ोसी पीटेंगे भैया दूसरे पीटेंगे बीमारी पीटेंगे सब कुछ पीटेगा तो हेल्दी रहो फिट रहो स्वस्थ रहो और खाना भूख से कम पानी डबल वर्कआउट ट्रिपल और हंसना चार गुना हो गया काम अपना थैंक यू